हाय फ्रेंड, तो फिर एक बार आप लोग का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग्स पर। आज का जो ब्लॉग्स है ये हम जैसे युवाओं के लिए हम जो है बना रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे इस ब्लॉग्स पर आप लोग जो है बने रहिए। एक्चुअली ये टॉपिक जो है बनाने का मकसद ये है कि अभी जो यूट्यूब जो है हाइट का जो ऑप्शन है वो हटा दिया है, सभी को मालूम होगा। तो वो जो हाइट का ऑप्शन हटाने के बाद जो है पता चला है कि कितने यूट्यूबर्स कितने सालों से जो है यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और वो कितना सब्सक्राइबर गेन किए हैं, वो उसका चीज़ जो है इसमें पता चल गया है। एक्चुअली बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो हाइड करके रखते थे अपना चैनल को, और वो यूट्यूबर आज 5 साल से 6 साल से 4 साल से जो है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और सब्सक्राइबर देखने के लिए मिल रहा है। सब्सक्राइबर मात्र 300, किसी का 400, 500, 700, 800, किसी का एक दो ही ऐसा है जो 1000 है, और जो सक्सेस हो गए हैं तो वो हो ही गए हैं। और एक्चुअली ऐसे बहुत सारे हैं, लगभग लाखों लाखों यूट्यूबर्स ऐसे हमने देखे जिसका जो है सब्सक्राइबर 300, 400, 700, 1000, और वो लगभग 4 साल 5 साल 7 साल से जो है लगातार वर्क कर रहे हैं यूट्यूब पर और एक्टिव है, नहीं है और ये नहीं कि एक्टिव नहीं है, एक्टिव रहते हैं। तो इसी बेसिस पर हम जो है आज जो है एक ये टॉपिक लेकर आए हैं, और हम युवाओं को जैसे हम जैसे युवाओं को जो है समझना चाहिए और कि जो है सिर्फ हमें जो है यूट्यूब पर ही जो है आश्रित नहीं रहना चाहिए। एक्चुअली यूट्यूब जो है वो एक सरकारी नौकरी की तरह हुआ, जिस प्रकार सरकारी नौकरी में जो है 3000 वैकेंसी निकलते हैं और लगभग 10 लाख लोग जो है उसमें जो है अप्लाई करते हैं, जस्ट उसी की तरह हुआ। जिस प्रकार अभी जो है एक ट्रेंडिंग चल रहा था माई फर्स्ट ब्लॉग का भी ट्रेंडिंग चल रहा था, तो उसमें जो है जिसको जो है सफल होना था वो तो हो चुके, देख रहे हैं। बहुत ऐसे भी बहुत क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छी तरह से जो है एडिटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से जो है ब्लॉग बना रहे हैं, लेकिन उसका व्यू जो है 12, 13, 14, 15, और हमने भी जो है आजमाया लेकिन हमारा भी जो है व्यू उतना नहीं आया। एक्चुअली हम भी देखिएगा, मेरा इसी पर जो है माई फर्स्ट ब्लॉग करके एक ब्लॉग हम डाले हैं, देखिए उसमें भी जो है व्यू नहीं है। और बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि नया हैं और कुछ भी जो है वो सिर्फ माई फर्स्ट ब्लॉग लिख दिए और एंट्री में जो है कहीं फेक सब चीज़ आके इसमें इंक्लूडिंग करके जो है सिर्फ अपना नाम और परिचय बता दिया, और वो जो है बहुत सारे उसमें व्यूज़ उसको मिल चुके हैं, लगभग 70,000, 72,000। लेकिन ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अपना सच दिखा रहे हैं लेकिन उसका जो है वायरल नहीं हो रहा है, देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं। तो हम ऐसे यूट्यूबर से कहना चाहते हैं कि आप जो इतना साल वेट किए यूट्यूब पर और सिर्फ क्या मिला, कुछ नहीं। और हाँ, ऐसे यूट्यूबर हैं जो सक्सेस हो गए उसके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो सक्सेस नहीं हुए वो तो बेकार अपना जो है समय को जो है बहुत ज़्यादा लॉस कर दिए। एक्चुअली यूट्यूब में सक्सेस होने के लिए आपका मेहनत और किस्मत दोनों होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। और जो है टाइम लॉस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और हम अपना उदाहरण दे रहे हैं, देखिए जैसे अभी हम जो है अभी मेरा लगभग 9 महीना हुआ है यूट्यूब चैनल खुला हुआ, लेकिन हमें भी उतना सफलता नहीं मिल रही है, देख पा रहे हैं। हम भी लगभग डेली ब्लॉग छोड़ रहे हैं, बीच में लगभग एक दो महीना हमने गैप किया था, इसलिए एक्चुअली हमको एडिटिंग बढ़िया से नहीं आ रहा था, इसीलिए हम जो है गैप किए थे। और अभी हम फ़िलहाल शुरू किए हुए हैं, लेकिन उतना व्यूज़ जो है नहीं आ रहा है, और बहुत मेहनत करते हैं लेकिन नहीं आ रहा है। तो आज तो इसीलिए जो है इसी के कारण जो है हम आज ब्लॉग बना रहे हैं कि जितने भी जो है युवा हैं यूट्यूब पर जो है अपना पूरा ध्यान जो है दे रहे हैं, वो यूट्यूब पर भी ध्यान दें और जो है साइड से अपना कुछ जो है इनकम बिजनेस भी करें। अगर आप बेरोज़गार हैं तो साइड इनकम भी करने की सोच रखनी चाहिए। एक्चुअली अभी के समय में जो है बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, देख पा रहे हैं, तो ये सरकार से भी सॉल्व नहीं होने वाला मुद्दा है ये। इसके लिए जो है हम युवाओं को जो है अपना काम खुद करना पड़ेगा, और इसके लिए जो है हमें ही अपना जो है कुछ ना कुछ जो है आइडिया और दिमाग का जो इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना जो है सरकार भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकती है।
अगर आप लोग मेरे से गांव से हैं या फिर शहर से हैं तो कुछ ना कुछ जो है आप लोग साइड इनकम कीजिए। और मेरा साइड इनकम के बारे में आप जानबे करते हैं, मेरा एक छोटा सा दुकान है और मेरा ये फॉर्म रहा, और कुछ हमने बकरियां भी पाली हुई है, अगर भगवान ने साथ दिया तो जो है बकरियां का जो है हम एक शेड बनाएंगे और वो भी शेड का जो है हम आपको ब्लॉग दिखाएंगे। सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है यूट्यूब पर आप लोग जो है यूट्यूब बनाएं और ब्लॉग्स भी बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन जो है यूट्यूब के साथ साथ जो है अपना जो है कुछ साइड बिजनेस भी करें। इससे होगा क्या कि इससे जो होगा कि आपका बैलेंस जो है बना हुआ रहेगा, अगर इधर से नहीं हुआ तो आप इधर से जो है इनकम कर सकते हैं। और एक्चुअली ये जो दुनिया जो है ना ये पैसे पर ही टिका हुआ है, जान रहे हैं, कोई बताए या ना बताए हम बता रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आपको हर जगह इज्जत है, अगर पैसा नहीं है तो आपका घर में भी आपको इज्जत नहीं दिया जाएगा, ये जान लीजिए। कोई रिश्तेदार की तो बात छोड़िए, दोस्त की तो बात छोड़िए, वो दोस्त जो होता है वो जो होता है जब तक आपके पास पैसा है खर्च कर रहे हैं तब तक आपके आगे पीछे है, वरना आपको फ़ोन तक नहीं करेगा। ये भी एक सच्चाई है। तो प्लीज़ आप लोग जो है कुछ जो है साइड इनकम करें। तो ये रहा आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग, तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय।